हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। जेके न्यूज नेटवर्क के सेगमेंट बॉलीवुड गपशप में मैं शाहिन अली आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए बताते हैं क्या है आज के चटपटे और मसालेदार खबरों में। महाराष्ट्र में अनलॉक प्रक्रिया के तहत मुंबई में फिल्म टीवी इंडस्ट्री को बायो बबल में रहते हुए शाम 5 बजे तक शूटिंग की अनुमति दी गई है। हालांकि आउटडोर शूटिंग की अनुमति फिलहाल नहीं है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीन एम्प्लॉयज के अध्यक्ष बीएन तिवारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से शूटिंग अवधि शाम 7 बजे तक बढ़ाने की अपील की है। मुंबई के पीटी हिंदुजा अस्पताल में प्लूरल एस्पिरेशन करवा रहे दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के डॉक्टर जलील पार्कर ने कहा है कि उनकी हालत स्थिर है। बकौल पार्कर दिलीप 3-4 दिनों में डिस्चार्ज हो सकते हैं। 98 वर्षीय दिलीप को सांस लेने में तकलीफ होने पर 6 जून को भर्ती कराया गया था। टीवी एक्टर पल्लवी पुरी केस में नाबालिग रेप पीड़िता की मां ने कहा है कि मामला विचाराधीन होने के कारण उन्होंने चुप रहने का फैसला किया। पल्ल को बेकसूर बताने वाली एक्ट्रेस दिव्या खोसला कुमार ने कमेंट किया, पल्ल की मां कैंसर की मरीज है, उनके पास कोई नहीं है, उन्हें कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा, आप मामले की संवेदनशीलता समझती है। टीवी एक्टर पल्लवी पुरी केस को लेकर एक दूसरे पर टिप्पणी करने वाली अभिनेत्री निया शर्मा व देवोलीना भट्टाचार्य जी ने एक दूसरे से माफी मांग ली है। दरअसल पुरी को सपोर्ट करने वाले लोगों को लेकर देवोलीना के बयान पर धरने पर बैठो, भूख हड़ताल करो लेकिन गंदगी मत फैलाओ पर निया ने कहा था, दीदी को बता दो महामारी में धरना नहीं दे सकते। अंत में आपको बता दें, एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह ने कहा है कि महामारी के दौरान बलात्कार के मामलों के बारे में पढ़कर मेरा खून खौलने लगता है। उन्होंने कहा, कभी कभी दिमाग में ये सवाल आने लगता है कि क्या हम इंसान कहलाने के लायक भी है। रकुल ने कहा, महामारी से लोग दम तोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह के लोग मौजूद है। तो ये थी जेके न्यूज नेटवर्क के सेगमेंट बॉलीवुड गपशप की कुछ खास खबरें। तो आगे हम ऐसे ही आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।